अपने वेट गेन को कंट्रोल करने के लिए आपने डाइट चेक किया, एक्सरसाइज चेक किया एंड फीड द इडियट पे हेल्थ मिथ बस्टिंग की वीडियोस भी चेकआउट किए, पर क्या आपने अपने स्लीप पैटर्न चेक किए? हाँ, मैंने चेक किया, मुझे एक सुराख मिला। जब मैंने अपना पेट चेक किया तो मुझे हाँ एक सुराख मिला। एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग ऑन माय राइट, ओके? 4 years कॉन्स्टेंटली विद अ बिग बेली, आई बीन लीनिंग ऑन माय राइट टू स्लीप। 4 years कॉन्स्टेंटली ऑन माय राइट। Currently, my navel has shifted half an inch from the central axis. Leaning belly, aisa evolution has started taking place. Main shirt ka ye wala button band karta na, angutha phans jata udhar kabhi kabhi. Half an inch away, which frankly is a little weird because my dick is on the left. Like, I don't know how the physics worked out differently for this one. Like, अगर आपकी नींद आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कब सोते हैं, कितना सोते हैं, इन सब का आपकी हेल्थ पे मेजर असर हो सकता है। मेरी नींद तो मेरी गर्लफ्रेंड के कंट्रोल में है, रात रात तक जाग के उसको टाइम देना पड़ता है। साला सोने से पहले बात करनी, उठने के बाद बात करनी, भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या कि आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? योर स्लीप साइकिल कैन एक्चुअली कीप मेकिंग यू फैट। डोंट यू बिलीव मी, लेट मी टेक यू थ्रू द फैक्ट्स। Hi, I'm Puneet Dhawan, आपका फ्रेंडली हेल्थ मिथ बस्टर एंड फाउंडर ऑफ फेस एड मीडिया। एंड टुडे मैं आपको बताऊंगा अबाउट योर स्लीप पैटर्न्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन योर वेट गेन। एंड मैं आपको बताऊंगा एक अहम बात कि सोने से पहले लाइट बंद कर लिया करो। न्यूटन ने मेरे को एक और बात बोली थी बेटा। क्या? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। वेट लॉस के पीछे भागते हुए काफी लोग स्लीप पे फोकस करना भूल जाते हैं, बट स्लीपिंग के फायदे आपके फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग से एकदम डायरेक्ट लिंक है। स्लीपिंग से आपकी बॉडी को इंटेंस वर्कआउट से रिकवरी का टाइम मिलता है। स्लीपिंग हेल्प्स योर बॉडी बिल्ड अप योर एनर्जी लेवल। आपके स्लीप पैटर्न्स आपकी बॉडी के सेरोटोनिन एंड डोपामाइन लेवल को मॉडरेट करते हैं। Serotonin and dopamine level. Oh, no. इसके अलावा जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में एक्सोसोम्स आपके सेल्स को डायरेक्शन भेजती है टू रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म। एक्सोसोम्स को समझने के लिए इमेजिन कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक मैसेंजर जो आपकी बॉडी के एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेजेस पहुंचाते हैं कि कब आपके सेल्स को आपकी बॉडी के शुगर को एनर्जी में बदलना है। इसी मैसेज से आपके सेल्स शुगर एंड फैट लॉस को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन एक यूनिक रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि स्लीप पैटर्न्स को अचानक बदलते रहने पर ये छोटे छोटे मैसेंजर आपकी बॉडी को कम्प्लीटली कंफ्यूज कर देते हैं। ये छोटे छोटे मैसेंजर वो राम रहीम की फिल्म वाले मैसेंजर तो नहीं है ना? उससे गंदा मैसेंजर नहीं देखा मैंने आज तक। यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरी कोलंबिया के लीडिंग स्लीप रिसर्चर अब्दुल नादी खलीफा और उनकी टीम ने एक स्टडी कंडक्ट किया। मैंने भी गोभी की सब्जी बनाई है आज। हाँ भाई हाँ, आलू गोभी मटर। नहीं मटर नहीं, मटर छिलता है। इस स्टडी में उन्होंने 14 पार्टिसिपेंट को 3 दिन का टेम्पररी शेड्यूल दिया जिसमें उन्हें डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट के पैटर्न में काम करना था। इन 3 दिनों तक हर 3 घंटे में इन पार्टिसिपेंट का ब्लड लिया गया जिसमें से एक्सोसोम्स को एक्सट्रैक्ट किया गया। ओह माय गॉड, एक तो उनसे 3 दिन तक दिन रात काम करवाया, ऊपर से उनका खून भी निकाल लिया। दुनिया बहुत मतलब है माँ, बहुत मतलब है। तेरा खून पी जाऊंगा साला। यू वांट टू ईट हिम? नो, वांट टू ईट हिम? नो, वो ऐसे ही बोला था, सचमुच थोड़ी ना इसका खून पीने का मन कर रहा है। आई वाज ओनली गिविंग धमकीज। इस एक्सोसोम्स की स्टडी से यह पता चला कि हमारी बॉडी में रातों रात एक मैजिक सा होता है। ये देखा गया कि नाइट शिफ्ट में काम कर रहे पार्टिसिपेंट के एक्सोसोम्स में एक स्पेशल जीन रेगुलेटर डेवलप होता है जिसको माइक्रो आरएनए का नाम दिया गया। ये माइक्रो आरएनए बॉडी के फैट सेल्स के लिए लिटरली एक घड़ी की तरह काम करता है। मतलब आपकी बॉडी जब डे शिफ्ट से नाइट शिफ्ट पे मूव करती है तो ये माइक्रो आरएनए आपके सेल्स को ये अलर्ट भेजता है कि अभी रात है पर ये बॉडी सोने नहीं वाली, ये काम करने वाली है। सो ये मैसेज बॉडी के फैट सेल्स को ट्रिगर करती है टू मेटाबोलाइज शुगर टू गिव मोर एनर्जी टू द बॉडी, ताकि आप ज़्यादा देर तक एनर्जी को कंटिन्यू रख सके एंड रात को काम कर सके। ऊपर वाले ने हमारे अंदर सही सिस्टम बनाया है ना।
पता नहीं क्या क्या चलता रहता है अंदर। कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। लेकिन अगर नाइट शिफ्ट पे एडजस्ट कर रही बॉडी को वीकेंड पे अचानक फिर से डे शिफ्ट पे स्विच किया गया तो बॉडी के माइक्रो आरएनए को इतना टाइम नहीं मिलता टू शिफ्ट द सिग्नल अगेन। ऐसे केसेस में आपके बॉडी का इंटरनल क्लॉक कंफ्यूज हो जाता है, रिजल्ट आपके बॉडी में फैट सेल्स को शुगर मेटाबोलाइज करने का सिग्नल ही नहीं मिलता, जिससे आपके बॉडी में फैट बर्न होने की जगह जमा हो जाता है। आपकी मेटाबॉलिज्म की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है एंड आपको डायबिटीज एंड ओबेसिटी डेवलप करने का चांस 27% तक बढ़ जाता है। मैंने ना वेट कम करने के लिए स्पिरिचुअल सी क्लासेस ज्वाइन कर ली, जिम नहीं। तो वो ना स्पिरिचुअल ट्रेनर आया, कहता शरीर एक मंदिर है। मैं चप्पल उतार के आ पहले तो वो ना चप्पल उतार के आया, डर गया वो, तो कहता मुंह दान पेटी है, पेट विराम कक्ष है। मैं कहा भाई साहब वहीं रुक जाएं, क्योंकि आप मंदिर का प्रोसेस पूरा करने पे आए, आप घंटा बजा के जाएंगे और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। इस स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि बिना कोई रिकवरी टाइम दिए हुए आपकी बॉडी के स्लीप पैटर्न्स को कॉन्स्टेंटली बदलना बिल्कुल सही नहीं है। इट कैन कम्प्लीटली मेस अप योर बॉडीज रिदम। बट एक गुड न्यूज भी है कि इस स्टडी के बाद एक्सोसोम्स के ऊपर एक और स्टडी चल रही है एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट एक्सोसोम्स कैन बी यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज ट्रीटमेंट फॉर नाइट शिफ्ट वर्कर टू हेल्प देम रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी क्लॉक। अगर ये स्टडी सक्सेसफुल हुई तो एक्सोसोम से ऐसे मेडिसिन डेवलप हो सकते हैं कि हर पेशेंट के लिए अलग से डिजाइन किया जा सकता है ताकि उनके बॉडी टाइप एंड रिदम के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट हो सके। ओह माय गॉड। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में भी स्लीप पैटर्न पे बहुत बड़ी स्टडी ऑर्गेनाइज हुई। इस स्टडी में साइंटिस्ट ने इस बात पे एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चों के बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने की वजह से ओबेसिटी का रिस्क एंड स्लीप पैटर्न में कितना डिस्टरबेंस हो सकता है। जब मैं छोटा था ना तो मेरे रूम में भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम पे जुगनू होता था जो मेरे कान में बहुत दर्द करता था। सबके साथ होता है ना, रात को 2 बजे यू हैव एन अर्ली मॉर्निंग, यू नीड द स्लीप, तुम चद्दर ओढ़ते हो और ओढ़ते ही वो एक मच्छर आ जाता है। इस स्टडी के वेरीफाइड रिजल्ट सितंबर 2020 में जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक ओबेसिटी में ऑनलाइन भी रिलीज किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के प्रोफेसर क्रिस्टीना फंग एंड पॉपुलेशन हेल्थ इंटरवेंशन रिसर्च के डायरेक्टर पॉल विगलर ने इस स्टडी को 3,400 पार्टिसिपेंट पे कंडक्ट किया। ये सारे पार्टिसिपेंट एल्बर्टा के स्टैंडर्ड 5 के स्टूडेंट थे। इन सबसे इनडेप्थ इंटरव्यू में ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया कि इनकी नाइट टाइम स्लीप हैबिट क्या है एंड रात को सोते वक्त ये कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं। मेरी मम्मी से भी मेरी नाइट स्लीप हैबिट पूछने आए थे। मेरी मम्मी ने बोला कि जब ये छोटा होता था ना तब ये निकल में सोच चुका तय करता था। इस सर्वे से इंफॉर्मेशन ये मिली कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट हैड टीवी डीवीडी प्लेयर एंड वीडियो गेम कंसोल इन देयर बेडरूम, 21% के पास कंप्यूटर एक्सेस था, 17% के पास मोबाइल एक्सेस था एंड 5% स्टूडेंट के पास सारे तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे। रिसर्च में ये रिजल्ट कंफर्म हुआ कि जिन बच्चों के पास बेडरूम में कोई भी डिवाइस नहीं था उनके कंपैरिजन में जिन बच्चों के पास सिर्फ एक डिवाइस था उनमें 1.47 टाइम्स तक ओवरवेट होने की टेंडेंसी देखी गई और जिनके पास बेडरूम में 3 डिवाइस तक का एक्सेस था उनमें यही रेट 2.57 टाइम्स तक बढ़ गई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आज के जनरेशन के स्लीप पैटर्न पे बहुत गहरा असर पड़ता है एंड एडल्ट्स में भी स्लीप पैटर्न्स के डिस्टरबेंस की वजह से ओवरवेट की टेंडेंसी बढ़ जाती है। पहली बार गरीब होने पे फख्र है मुझे। उन्हें फख्र है। अगर आप अपनी स्लीपिंग हैबिट को करेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फिजिकल एक्टिविटी करने में एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी, साथ ही आप बेटर डाइट चॉइस भी करेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ बातें ध्यान में जरूर रखना। फर्स्ट, मेक श्योर आप सोने से एटलीस्ट 30 मिनट पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर दें, जहाँ तक हो सके बेडरूम में टीवी कंप्यूटर मोबाइल वगैरह सोते हुए स्विच ऑफ कर दें। सेकेंड, अगर आपके वर्क के डिमांड से आपको नाइट शिफ्ट करनी ही पड़ती है तो मेक श्योर टू अलाउ योर बॉडी टू ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम नाइट टू डे। मतलब अगर आपको वीक में 5 डेज तक शिफ्ट करना पड़े तो वीकेंड पे अचानक से बॉडी के सोने का शिफ्ट चेंज मत करिए, साथ ही नाइट में भी पावर नैप लेने के लिए अपनी बॉडी को टाइम दीजिए।
थर्ड, फाइनली वेक फॉरेस्ट के रिसर्चर ने ये प्रूव किया कि जिन डाइटर्स ने 5 घंटे से कम की नींद ली उन्हें 2.5 टाइम्स तक ज़्यादा बेली फैट की प्रॉब्लम हुई एंड जिन डाइटर्स ने 8 घंटे से ज़्यादा की नींद ली उन्हें भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स तक बेली फैट्स की प्रॉब्लम हुई। इसका मतलब यह है कि आप चाहे 5 घंटे से कम की नींद लें या 8 घंटे से ज़्यादा की नींद लें, आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स इक्वली ही पड़ते हैं। इसलिए नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने ये सजेस्ट किया है कि हर एडल्ट को दिन में 6-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हेलो और पुत्तन, कल जिम क्यों नहीं आया था तू? सर मैं कल जिम इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं गिर गया था और मेरे को लग गई थी बहुत जोर की। वो कहाँ गिर गया था, कहाँ लग गई? मैं बेड पे गिर गया था और मुझे आंख लग गई थी। अगर आप ये स्लीप हैबिट फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको थोड़े ही दिन में रिजल्ट दिखने लगेंगे। यू विल सी रिन्यूड एनर्जी लेवल, हाई प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। तो आज ही अपने स्लीप पैटर्न को ठीक से ऑब्जर्व कीजिए एंड इस न्यू ईयर पे शायद यही रेजोल्यूशन आपके सबसे ज्यादा काम आ जाए। चेंज योर स्लीप हैबिट टू चेंज योर लाइफ। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द फीड द इडियट फॉर सच ओरिजिनल वीडियो। आई विल बी बैक विद अ फ्रेश कंटेंट एज सून एज पॉसिबल। तब तक एंजॉय योर लाइफ, स्टे सेफ, बी हैप्पी।